इनका व्यू पॉइंट लेना चाहूँगा कि आईएमए के ऊपर इनका व्यू पॉइंट क्या है। अच्छा, ये जो आईएमए की पूरी स्टोरी अब्बास साहब चल रही है, इसके बारे में आपको नॉलेज है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, इनफैक्ट 4-5 साल से लगातार, और मेरे काफ़ी रिश्तेदार और जो दोस्त वगैरह हैं वो बता रहे थे मुझे आपके पास। आपके दोस्त इन्वेस्ट किए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दोस्त इन्वेस्ट किए हैं और वो मुझे हालांकि एडवाइस दे रहे थे फाइनेंशियल, आप इन्वेस्ट कर, उनको बताया कि आपकी मेहनत के पैसे हैं और आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और मैं इसके सख्त खिलाफ था और उनको बता रहा था बार बार के ऐसा मत कीजिए, आपके पैसे। वहां पे भी मैं उनको बताना चाह रहा था, जो आईएमए का एक तरह का एक मॉड्यूल है, नो मेकिंग चार्जेस, नो वेस्टेज चार्जेस, ये सब वगैरह। मैं उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी जौहरी ले लो, कोई भी ज्वेलर ले लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपको ऐसे तब्दीली दे या प्रॉफिट के प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो मैं इसके सख्त खिलाफ था और मैं मना कर रहा था उन सबको। मुझे बोल रहे थे आपके पास पैसे हैं, अरे पैसे हैं तो मेहनत के। पहले उनका वीडियो रिलीज हुआ था जी, आपने देखा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल देखा मैंने, अच्छी तरह तो क्या बोलते हैं वो, देख के आप उसके ऊपर कितनी परसेंट ये जाहिर करेंगे कि वो इनोसेंट है? काफी बारीकी से देखा है मैंने, और उसके साथ साथ जिन जिन नाम लिए हैं वो, मैं ये मानता हूं कि पहली बात, हिंदुस्तान का एक लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मान के आगे चलना चाहिए। पहले आपने रिलीज की एक ऑडियो जहाँ पे आपने कहा कि आप खुदकुशी करने वाले हैं, उसके बाद आप ये वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड किए हैं जहाँ पे आपने बताया कि आपकी फैमिली को खतरा है, आप नहीं जानते आपकी ग्रैंड मदर का है, मदर का है। मैं बस ये मानता हूँ जो चोरी करता है या जो गलत काम करता है वो भागता नहीं है, और चलो आपने भागा भी, लेकिन उसका आप बताइए क्यों आप गए थे, और उसके साथ साथ ये जाहिर होना चाहिए कि अगर आप गए भी हो आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको वापस आना चाहिए। जो लाखों के लोग हैं, जो लाखों के लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी है, जो भी है। मैं एक चीज मानता हूं, जो हमारे जो सत्यमेव जयते कहते हैं, बिल्कुल ट्रूथ प्रिवेल्स ऑलवेज, एंड इफ यू आर ऑन द ट्रूथ, इफ यू आर ऑन द राइट पाथ, यू शुड डेफिनेटली कम इन, यू शुड डेफिनेटली कम इन एंड फेस द पीपल, फेस द मीडिया। ऑफ कोर्स आई एम श्योर जो यहां की जो पुलिस है, जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, आपको हर तरह का प्रोटेक्शन देगा, लेकिन आपको आना है क्योंकि बहुत लोग आपके लिए दुआएं भी कर रहे हैं इतना सब होने के बाद, और उनको आपको आके उनको जाहिर करना चाहिए कि किसने गलत किया है। ऐसे वहां सही बात नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारे कौम को सही लीडर्स चाहिए, सच्चे लीडर्स चाहिए। रहनुमा बनना, लीडर बनना बहुत आसान है, एक बहुत एक हंसी की बात हो गई है, एक शर्म की बात हो गई है। माशाल्लाह हम देख रहा हूं आपके चैनल के जरिए जो एक बहुत जबरदस्त लीडर्स आ रहे हैं, जो आईएमए पे सपोर्ट कर रहे हैं, खुलासा दे रहे हैं, मैं उन लीडर्स को सही लीडर मानता हूं। और ये तमाम जो बाकी के लीडर्स हैं, फिलहाल तो नहीं कुछ कहूंगा ताकि जब तक प्रूफ ना हो जाए, लेकिन हाँ ये आईएमए इन्वेस्टर्स जो भी हैं मैं उनके साथ हूं, उनकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं ज्यादा नेशनल मीडिया पे उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं, ये जो हुआ है उनके साथ गलत हुआ है। मेरी दुआ है उनके साथ कि उनका पैसा एक एक रुपया जो भी है वापस आ जाए, और इंशाल्लाह ताला उनको जो भी है नेक हिदायत हो, और जो भी लॉसेस हैं उनके वापस आ जाए, पूरे हो जाए, और इंशाल्लाह आगे जाके ऐसी गलती ना करें और सही लीडर्स को चुने, जो ना कि आपके वोट पे पैसे दे के वोट ले नहीं, जो आपके गलत रास्ता दिखाए नहीं, जो सच्चाई में, जो खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और बहुत अच्छी पोजिशन में है और आपके लिए कुछ करना चाहें, और बाकी के डुबाना, पैसा लेना, इलेक्शन के टाइम साथ देना, झूठे वादे करना नहीं, जो आपके सामने खड़ा हो, एक शेर बन के आगे बढ़े, ये ऐसे लीडर्स की बहुत जरूरत है, और इंशाल्लाह ताला, और मुझे लगता है ये ऐसा जरूर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फरहान भाई, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। माशाल्लाह इंडियन मीडिया बुक के भी लिए मैं कहना चाहूंगा कि यूट्यूब पे बहुत बहुत मैं देख रहा हूँ जी, और आपका सब्सक्रिप्शन और आपका चैनल, जो आपने एक मुहिम उठाई है कि मुहिम और आगे बढ़े, और इसमें भी मेरा हमेशा से साथ रहेगा बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मीडिया एंड जर्नलिज्म। मैं आपको खूब सारी बधाई देना चाहूंगा और आपकी मुहिम को भी आप आगे लेके जाएं और अच्छे से अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।